हेलो गाइस, आज मैं आपको सूक्ष्म शिक्षण मतलब माइक्रो टीचिंग में प्रस्तावना कौशल के बारे में बताऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं। ये है सूक्ष्म शिक्षण निरीक्षण, फिर लिखेंगे शिक्षण कौशल पाठ प्रस्तावना, फिर क्रमांक, घटक, मूल्यांकन, निरीक्षण, फिर ऐसे कॉलम में हाँ और नहीं। फिर टॉपिक, ये पहले लिखेंगे सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना, शिक्षण कौशल पाठ प्रस्तावना, फिर दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, अवधि, शिक्षण पुनः शिक्षण, इसमें जो डेट होगा, कक्षा कौन सी है, विषय कौन सा है, कालांश और अवधि लिखेंगे। फिर प्रकरण हमारा रक्त है। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र रक्त के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में चोट लग जाने पर कौन सा तरल पदार्थ निकलता है? तो छात्र क्रिया में लिखेंगे हमारे शरीर में चोट लग जाने पर रक्त निकलता है। तो सेकंड क्वेश्चन होगा, रक्त का रंग कैसा होता है? तो छात्र क्रिया में रक्त का रंग लाल होता है। तो हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त की संरचना के बारे में आप क्या जानते हैं? तो वहाँ पे छात्र मौन हो जाएंगे। तो उद्देश्य में लिखेंगे उद्देश्य या कथन, आज हम लोग रक्त के बारे में अध्ययन करेंगे। सो आप देख लीजिए।